पंजाबी दे विच मैं यही कहना चाहना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को उसकी हैसियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम बार बार कनाडा को खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल अपराध और कट्टरता फैलाने के लिए किया जा रहा है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इतना जलील होने के बावजूद कनाडा सुधर नहीं रहा। कनाडा की सरकार खालिस्तानी नेताओं के चंगुल में फंस चुकी है। ये खालिस्तानी नेता कनाडा को डुबोकर ही मानेंगे। लेकिन मजे की बात देखिए कि अब कनाडा के आम लोग ही खालिस्तानी नेताओं का विरोध करने लगे हैं। इन लोगों का मानना है कि खालिस्तानियों की वजह से ही आज कनाडा की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अब तो कनाडा में ही बैठे सिख लोग अपने आप को खालिस्तानियों से दूर रख रहे हैं। ऐसे में सहानुभूति हासिल करने के लिए खालिस्तानी नेता अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही कुछ खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने किया। इस खालिस्तानी नेता ने कनाडा की संसद में खड़े होकर पंजाबी भाषा में भारत को चेतावनी दी है। ये खालिस्तानी नेता सोच रहा था कि पंजाबी में बोलूंगा तो लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सिख और पंजाबी लोग ही इस खालिस्तानी नेता को जमकर सुना रहे हैं। भारत में सिख समुदाय के ज्यादातर लोग जगमीत सिंह को एक देशद्रोही खालिस्तानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जगमीत सिंह हिंदी बोले, पंजाबी बोले, इंग्लिश बोले या फ्रेंच, इससे भारतीय लोगों पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आपको इस खालिस्तानी नेता की एक दो लाइनें सुनवा ही देते हैं। पंजाबी दे विच मैं यही कहना चाहना, जिहड़ा हिंदुस्तान दी हुकूमत बहुत जुल्म करदे ने। तो आपने इस खालिस्तानी का पंजाबी ड्रामा देख लिया। वैसे तो कनाडा की संसद में इस खालिस्तानी नेता ने 3-4 मिनट तक पंजाबी में भाषण दिया था, लेकिन इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि इसका पूरा भाषण हम दिखाएं। हम तो बस ये दिखाना चाहते थे कि कैसे खालिस्तानी नेता पंजाबी की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। जगमीत सिंह पंजाबी में बोल रहा था कि मैं कनाडा में ही बैठा हूँ, जब तक भारत को बर्बाद नहीं करूंगा मैं हिलूंगा नहीं। वैसे आपको बता दें कि ये जगमीत सिंह का गुस्सा नहीं बल्कि उसका डर बोल रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कनाडा में खालिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अंदर ही अंदर कनाडा की जनता इनसे नफरत करने लगी है। ये लोग कनाडा में सिर्फ रैलियां निकालते हैं, जनमत संग्रह करवाते हैं, गुंडागर्दी और अपराध करते हैं। यहाँ तक कि कनाडा में बसे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर माहौल भी खराब करते हैं।